हेलो फ्रेंड्स बुनाई स्वेटर डिज़ाइन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बहुत ही प्यारा सा रैबिट का डिज़ाइन बनाकर बताऊंगी इसमें मैंने उनसठ फंदे डाले हैं पचपन फंदे में डिज़ाइन बनेगा दो दो फंदे हमारे साइड में रहेंगे तो मैं इस रैबिट डिज़ाइन को बनाकर बता रही हूँ और फ्रेंड्स इस रैबिट डिज़ाइन को मैंने न्यू बॉर्न बेबी की कैप में बनाकर बताया हुआ है वो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है तो आप अगर कैप बनाना सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख 19 सलाई में ये डिजाइन बनकर कंप्लीट जरूर शेयर कर दीजिएगा चलिए फ्रेंड्स सीखते हैं इस डिजाइन को तो ये देखिए फ्रेंड्स ये चार सिलाई हमने उल्टी उल्टी बनाकर और ये दो सिलाई हमने सीधी उल्टी बनाकर कंप्लीट कर लिए तो यहाँ पर इतना स्पेस मिल गया है तो देखिए फ्रेंड्स सिलाई में हमारे फिफ्टी नाइन फंदे हैं इन फंदों को हम किस तरह से डिवाइड करेंगे दो दो फंदे हम साइड में रखेंगे और यहाँ पर देखिएगा तेईस फंदे में रैबिट का डिज़ाइन इस साइड में बनेगा तेईस फंदे में इस साइड में बनेगा नौ फंदे में फ्लावर बनेगा अब यहाँ से हम देखिएगा डिज़ाइन को शुरू करेंगे ये डिज़ाइन की पहली रो है और ये राइट साइड की रो आएगी ये देखिएगा फ्रेंड्स पहला फंदा हम इस तरह से उल्टा बनाएंगे ये साइड के फंदे हैं धागा बैक करेंगे आप इस फंदे को बुन भी सकते हैं या उतार सकते हैं स्लिप करके बुनना चाहते हैं तो उस तरह से भी बुन सकते हैं एक फंदा सीधा बनाएंगे अब यहाँ पर देखिएगा पांच फंदे बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच पांच फंदे हमने रेड कलर से बना लिए अब यहाँ पर हम सेकंड कलर को ऐड करेंगे मैं वाइट कलर से बना रही हूँ आप जो भी कलर लगाना चाहते हैं उस कलर को ऐड कर लीजिएगा ये देखिएगा एक दो तीन चार पाँच छः सात इस धागे को हम आगे की ओर लेंगे और बैक साइड में जो ये धागा छोड़ेंगे इसे लूज छोड़ेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नौ फंदे हमने वाइट कलर से बना लिए हैं अब देखिएगा दो फंदे रेड कलर से एक दो चार फंदे वाइट कलर से एक दो तीन चार इस वाले धागे को आगे की ओर लेंगे और इन फंदों को हम इस तरह से रखेंगे सीधा ताकि बैक साइड में धागा खींचे नहीं अब यहाँ पर सात फंदे रेड कलर से बनाएंगे एक दो तीन चार धागा आगे की ओर लेंगे पाँच छः सात सात फंदे हमने रेड कलर से बनाए हैं अब एक फंदा वाइट कलर से अगर आप इस फ्लावर को मल्टी कलर से बनाना चाहते हैं इस डिज़ाइन को मल्टी कलर से बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ग्रीन कलर को भी लगा सकते हैं ये देखिएगा ये जो वाइट कलर का मैंने फंदा बनाया है एक इसे आप ग्रीन कलर से बना सकते हैं अब यहाँ पर फिर से हम सात फंदे रेड कलर से बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात चार फंदे व्हाइट कलर से बनाएंगे एक दो तीन चार ये देखिएगा फ्रेंड्स ये जो फंदा है ये बीच में है ये जो चार फंदे हैं यहाँ पर मैं रिपीट कर रही हूँ एक रैबिट इस साइड में बनेगा और एक रैबिट इस साइड में बनेगा दो फंदे रेड कलर से एक और ये दो अब नाइन फंदे यानी नौ फंदे हम वाइट कलर से बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ लास्ट के जो फंदे हैं उन्हें हम इस तरह से सीधे सीधे बनाकर कंप्लीट कर लेंगे ये देखिएगा लास्ट का फंदा हम अपनी साइड में बुन लेंगे इस तरह से आप चाहें तो इसे सीधा भी बना सकते हैं ये फर्स्ट रो हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है ये देखिएगा इस तरह से आते हैं रॉन्ग साइड की सेकेंड रो में इस फंदे को हम उल्टा बनाएंगे एक और ये दो ये दो फंदे साइड के हैं तीन फंदे बनाएंगे एक दो तीन अब यहाँ पर चार फंदे हम वाइट कलर से बनाएंगे एक दो तीन चार धागा आगे की ओर लेंगे तीन फंदे हम रेड कलर से बनाएंगे एक दो तीन तीन फंदे रेड सॉरी वाइट कलर से एक दो तीन देखिएगा वाइट कलर से चार फंदे बनाए फिर तीन फंदे रेड कलर से और तीन फंदे व्हाइट कलर से एक फंदा हम रेड कलर से बनाएंगे छह फंदे वाइट कलर से बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ छः चे, फंदे हमने वाइट कलर से बना लिए हैं अब छः फंदे फिर से हम रेड कलर से बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ छः फंदे हमने रेड कलर से बनाए अब तीन फंदे वाइट कलर से बनाएंगे यहाँ पर आप ग्रीन कलर का भी यूज कर सकते हैं एक दो तीन छः फंदे रेड एक दो तीन चार पाँच छ जिस तरह से यहाँ पर ये वाले फंदे बनाए उसी तरह से बनाएंगे छः फंदे हम वाइट कलर से बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ एक फंदा रेड कलर से तीन फंदे वाइट कलर से एक दो तीन तीन फंदे रेड कलर से एक दो तीन चार फंदे वाइट कलर से एक दो तीन चार चार फंदे हमने वाइट कलर से बना लिए लास्ट के जो बचे हुए फंदे हैं वो हम रेड कलर से बनाकर कंप्लीट करेंगे तो ये हमारे रॉन्ग साइड की दूसरी सिलाई बनकर कंप्लीट हो चुकी है अब आते हैं राइट साइड की तीसरी सिलाई में मैं तो देखिएगा फ्रेंड्स साइड का जो फंदा है उसे हम इस तरह से बुन लेंगे राइट साइड में ही केवल हम इस फंदे को बुनेंगे धागा बैक करेंगे और इस फंदे को हमने सीधा बना लिया ये साइड के फंदे हो गए एक फंदा हम इस तरह से सी सीधा बनाएंगे तीन फंदे वाइट कलर से एक दो तीन एक फंदा रेड कलर से पांच फंदे वाइट कलर से एक दो तीन चार पाँच तीन फंदे रेड कलर से बनाएंगे इस धागे को आगे की ओर लेंगे एक दो तीन पांच फंदा वाइट कलर से एक दो तीन चार पाँच पाँच फंदे हमने वाइट कलर से बना लिए अब सात फंदे रेड कलर से बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच सात। अब जहाँ पर मैंने ग्रीन कलर लगाने को बोला है वहाँ पर पांच फंदे बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच अगर आपने यहाँ पर ग्रीन कलर लगाया हुआ है तो ये पांच फंदे आप ग्रीन कलर से बना सकते हैं अब देखिएगा सात फंदे वाइट रेड कलर से एक दो तीन चार पाँच छ सात पांच फंदा वाइट कलर से एक दो तीन चार पाँच तीन फंदे रेड कलर से एक दो तीन पांच फंदे वाइट कलर से एक दो तीन चार पाँच एक फंदा रेड कलर से तीन फंदे व्हाइट कलर से एक दो तीन अब ये लास्ट के पंदे रेड कलर से बनाकर इस सिलाई को हमने कंप्लीट कर लिया है ये देखिएगा तीसरी सिलाई हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है अब आते हैं रॉन्ग साइड की फोर रो में रॉन्ग साइड की फोर रो देखिएगा फ्रेंड्स साइड के दो फंदे हम बुनेंगे एक दो अब तीन फंदे वाइट कलर से एक दो तीन एक फंदा रेड कलर से तेरह फंदे व्हाइट कलर से बनाएंगे और रेड धागे को आगे की ओर लेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह फंदे हमने व्हाइट कलर से बना लिए हैं अब देखिएगा सात फंदे रेड कलर से एक दो तीन चार पाँच सात अब यहाँ पर देखिएगा दो फंदे हम व्हाइट कलर से बनाएंगे एक दो एक फंदा रेड कलर से एक फंदा वाइट कलर से एक फंदा रेड कलर से फिर दो फंदे वाइट कलर से एक दो अब फिर से सात फंदे रेड कलर से एक दो तीन चार पाँच छ सात सात फंदे हमने रेड कलर से बना लिए हैं अब तेरह फंदे वाइट कलर से बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह फंदे हमने वाइट कलर से बनाए अब ये वाला जो एक फंदा है वो हम रेड कलर से बनाएंगे। ये देखिएगा एक फंदा रेड कलर से तीन फंदे वाइट कलर से एक दो तीन लास्ट के जो फंदे हैं उन्हें हम रेड कलर से बनाकर इस सिलाई को हमने कंप्लीट कर लिया है राइट साइड की फिफ्थ रो देखिएगा फ्रेंड्स ये जो साइड का फंदा है इसे हम इस तरह से बुनेंगे धागा बैक करेंगे इस फंदे को सीधा बना लेंगे अब देखिएगा यहाँ पर हम तीन फंदे वाइट कलर से बनाएंगे एक दो तीन एक फंदा रेड कलर से छः फंदे वाइट कलर से एक दो तीन चार पाँच छ एक फंदा रेड कलर से सात फंदे वाइट कलर से एक दो तीन चार पाँच सात आठ सॉरी सात फंदे हमें वाइट कलर से बनाने हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात सात फंदे हमने वाइट कलर से बना लिए हैं अब नौ फंदे रेड कलर से बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ नौ फंदे हमने रेड कलर से बनाए एक फंदा वाइट कलर से फिर से नौ फंदे रेड कलर से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ सात फंदे वाइट कलर से एक दो तीन चार इस धागे को आगे करोड़ लेंगे चार पाँच छ सात सात फंदे वाइट से एक फंदा रेड से छः फंदे वाइट कलर से एक दो तीन चार पाँच छ एक फंदा रेड कलर से तीन फंदे वाइट कलर से एक दो तीन बाकी के जो ये फंदे हैं इन्हें हम रेड कलर से बनाकर इस सिलाई को हमने कंप्लीट कर लिया है रॉन्ग साइड की सिक्स रो देखिएगा साइड के दो फंदे हम इस तरह से बुन लेंगे अब एक फंदा हम रेड कलर से बनाएंगे सॉरी ये वाला फंदा हम रेड कलर से बना लेंगे तो यहाँ पर तीन फंदे हमने रेड कलर से बना लिए हैं धागा आगे की ओर लेंगे दो फंदे वाइट कलर से एक दो एक फंदा रेड कलर से एक फंदा वाइट कलर से फिर से एक फंदा रेड कलर से अब तीन फंदे वाइट कलर से बनाएंगे एक दो तीन एक फंदा रेड कलर से अब नौ फंदे वाइट कलर से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ आठ फंदे रेड कलर से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ अब एक फंदा वाइट कलर से आठ फंदे रेड कलर से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ अब नौ पंदे व्हाइट कलर से बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच धागा आगे की ओर लेंगे छ सात आठ तो, एक पंदा रेड कलर से तीन फंदे वाइट कलर से एक दो तीन एक फंदा फिर से रेड कलर से एक फंदा वाइट कलर से एक फंदा रेड कलर से दो फंदे वाइट कलर से एक दो लास्ट के तीन फंदे रेड कलर से बनाएंगे और ये सिक्स रो हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है इस तरह से राइट साइड की सेवन रो देखिएगा साइड का फंदा हम इस तरह से बुन लेंगे धागा बैक करेंगे एक फंदा सीधा ये साइड के फंदे हो गए अब दो फंदे रेड कलर से बनाएंगे एक दो अब यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स चार फंदे वाइट कलर से बनाएंगे एक दो तीन चार तीन फंदे रेड कलर से एक दो तीन दस फंदे व्हाइट कलर से बनाएंगे एक दो तीन चार धागा आगे की ओर लेंगे पाँच छ सात आठ नौ दस अब इस धागे को हम आगे की ओर लेंगे और रेड कलर से आठ फंदे बनाएंगे एक दो तीन चार पच सात, आठ एक फंदा वाइट कलर से फिर से आठ फंदे रेड कलर से बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ फंदा रेड कलर से बनाने के बाद में दस फंदे वाइट कलर से बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच सात, आठ नौ दस तीन फंदे रेड कलर से एक दो तीन चार फंदे वाइट कलर से एक दो तीन चार लास्ट के जो फंदे हैं उन्हें हम वाइट सॉरी रेड कलर से बनाकर कंप्लीट करेंगे ये हमारी सिलाई बनकर कंप्लीट हो चुकी है अब आते हैं रॉन्ग साइड की सिलाई में ये हमारी रॉन्ग साइड की एर्थ रो साइड के चार फंदे रेड कलर से बनाएंगे एक दो तीन चार इस धागे को आगे की ओर पकड़ेंगे और तेरह फंदे वाइट कलर से बनाएंगे एक दो सॉरी दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह फंदे वाइट कलर से अब दो फंदे रेड कलर से बनाएंगे एक दो धागा आगे की ओर लेंगे चार फंदे वाइट कलर से एक दो तीन चार छः फंदे रेड कलर से एक दो तीन चार सॉरी धागा आगे लेंगे पाँच छः एक फंदा वाइट कलर से छः फंदे रेड कलर से एक दो तीन चार पाँच छ चार फंदे रेड कलर सॉरी वाइट कलर से एक दो तीन चार दो फंदे रेड कलर से एक दो तेरह फंदे वाइट कलर से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह लास्ट के चार फंदे रेड कलर से बनाकर इस सिलाई को हमने कंप्लीट कर लिया है अब आते हैं राइट साइड की नाइन रो में साइड के पांच फंदे हम रेड कलर से बनाएंगे तो देखिए एक दो तीन चार पाँच अब यहाँ पर ग्यारह फंदे वाइट कलर से बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह धागा आगे की ओर लेंगे एक फंदा रेड कलर से अब सात फंदे वाइट कलर से एक दो तीन चार पाँच सात सात फंदे वाइट कलर से बनाने के बाद में चार फंदे हम रेड कलर से बनाएंगे एक दो तीन चार तीन फंदे वाइट कलर से बनाएंगे अगर आपने यहाँ पर ग्रीन कलर लगाया है तो यहाँ पर आप कोई भी कलर लगा सकते हैं पिंक रेड या कोई भी कलर लगा सकते हैं यहाँ पर आप अगर आपने रेड नहीं लगाया है तो आप रेड कलर को भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर बेस कलर रेड रखा है तो मैंने इस इसे पूरा जो फ्लावर है उसे मैंने व्हाइट कलर से बनाया हुआ है इसे आप मल्टी कलर का बना सकते हैं एक दो तीन चार फंदे रेड कलर से एक दो तीन चार अब सात फंदे वाइट कलर से एक दो तीन चार पाँच छ सात इस धागे को बीच बीच में आप आगे की ओर ले लीजिएगा एक फंदा रेड कलर से अब ग्यारह फंदे वाइट कलर से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह लास्ट के जो फंदे हैं उन्हें हम रेड कलर से बनाएंगे एक दो तीन चार लास्ट का फंदा पाँच ये नाइन रो बनकर हमारी कंप्लीट हो चुकी है अब आते हैं रॉन्ग साइड की टेन रो में तो देखिएगा फ्रेंड्स साइड के छः फंदे हम रेड कलर से बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच अब उन्नीस बंदे व्हाइट कलर से बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस उन्नीस फंदे हमने वाइट कलर से बना लिए हैं अब तीन फंदे रेड कलर से एक दो तीन तीन फंदे वाइट कलर से एक दो तीन तीन फंदे रेड कलर से एक दो तीन उन्नीस फंदे वाइट कलर से एक दो तीन चार पाँच सात, आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस अब लास्ट के छः फंदे हम रेड कलर से बनाएंगे एक बार इस धागे को आगे की ओर लेंगे और ये पांच जो फंदे बचे हैं इन्हें हम इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेंगे तो ये हमारी टेन सिलाई बनकर कंप्लीट हो चुकी हैं ये देखिएगा इस तरह से अब आते हैं राइट साइड की इलेवन रो में तो ये देखिएगा साइड के आठ फंदे हम रेड कलर से बनाएंगे पहला फंदा हमने उल्टा बना लिया एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ फंदे हमारे यहाँ पर रेड कलर से हैं दो, दो चार दो छः दो आठ अब यहाँ पर हम पांच फंदे वाइट कलर से बनाएंगे पहले एक दो तीन चार पांच चार फंदे रेड कलर से एक दो तीन चार चार फंदे वाइट कलर से एक दो तीन चार अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आइस बनानी है तो आइस आप रेड कलर से भी बना सकते हैं या आप ब्लैक कलर से भी बना सकते हैं तो ये देखिएगा मैं यहाँ पर ब्लैक कलर को यूज़ कर लेती हूँ एक फंदा हमने ब्लैक कलर से बना लिया है अगर आपके पास ब्लैक कलर नहीं है तो आप रेड कलर से भी बना सकते हैं क्योंकि ये आइस है अब ये देखिएगा तीन फंदे वाइट कलर से एक दो तो, तीन तीन फंदे वाइट कलर से बनाने के बाद में एक फंदा रेड कलर से बनाएंगे दो फंदे वाइट कलर से एक दो तीन फंदे रेड कलर से एक दो तीन दो फंदे वाइट कलर से एक दो एक फंदा रेड कलर से तीन फंदे वाइट कलर से एक दो तीन एक फंदा ब्लैक कलर से बनाएंगे देखिएगा इस तरह से एक फंदा हमने ब्लैक कलर से बना लिया है अब चार फंदे वाइट कलर से बनाएंगे एक दो तीन चार तीन फंदे रेड कलर से एक सॉरी चार फंदे एक दो तीन चार चार फंदे रेड कलर से पांच फंदे वाइट कलर से एक दो तीन चार पांच अब जो ये बचे हुए फंदे हैं ये आठ फंदे हैं इन्हें हम इस तरह से रेड कलर से बनाकर कंप्लीट कर लेंगे ये देखिएगा ये रो बनकर कंप्लीट हो चुकी है अब आते हैं रॉन्ग साइड की ट्वेल्ब रो में पंद्रह फंदे रेड कलर से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह पंद्रह फंदे हमने रेड कलर से बना लिए हैं नौ फंदे वाइट कलर से बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ नौ फंदे हमने वाइट कलर से बना लिए हैं अब दो फंदे रेड कलर से बनाएंगे। एक दो धागा आगे की ओर लेंगे दो फंदे व्हाइट कलर से एक दो तीन फंदे रेड कलर से एक दो तीन दो फंदे वाइट कलर से एक दो अब दो फंदे रेड कलर से एक दो नौ फंदे वाइट कलर से एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ ये नौ फंदे हमने वाइट कलर से बना लिए हैं अब जो बाकी के फंदे हैं उन्हें हम रेड कलर से ही बनाकर इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे तो मैं इस सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स ट्वेल्व रो हमारी कुछ इस तरह से बनकर कंप्लीट हो चुकी है अब आते हैं राइट साइड की थर्टीन रो में तेरह फंदे रेड कलर से बनाएंगे साइड का फंदा इस तरह से बना लेंगे इस बस फंदे को आप इस तरह से बनाएं या उतारें एक सॉरी एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह फंदे हमने रेड कलर से बना लिए हैं अब देखिएगा छः फंदा वाइट कलर से एक दो तीन चार पाँच छ एक फंदा रेड कलर से बनाएंगे तीन फंदे वाइट कलर से एक दो तीन तीन फंदे रेड कलर से एक दो तीन दो फंदे वाइट कलर से एक दो तीन फंदे रेड कलर से एक दो तीन दो फंदे वाइट कलर से एक दो तीन फंदा रेड कलर से एक दो तीन तीन फंदा वाइट कलर से एक दो तीन एक फंदा रेड कलर से छः फंदा वाइट कलर से एक दो तीन चार पाँच छः अब जो बचे हुए फंदे हैं उन्हें हम पूरा रेड कलर से बनाते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं ये वीडियो आपको पसंद आया है ये डिज़ाइन पसंद आया है हमारे बताने का तरीका आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और इस डिज़ाइन को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और हमें कॉमेंट करके बताइएगा कि ये डिज़ाइन ये वीडियो आपको कैसा लगा है तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारी सिलाई बनकर कंप्लीट हो चुकी है रॉन्ग साइड की फोर्टीन रो देखिएगा बारह फंदे हम रेड कलर से बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह धागा आगे की ओर लेंगे छः फंदे वाइट कलर से एक दो तीन चार पाँच छ एक फंदा रेड कलर से दो फंदे वाइट कलर से एक दो अब यहाँ पर सात फंदे रेड कलर से बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात तीन फंदे वाइट कलर से एक दो तीन सात फंदे रेड कलर से एक दो तीन चार पाँच छ सात धागा इस साइड में कर लेंगे तीन फंदे सॉरी दो फंदे व्हाइट कलर से बनाएंगे एक दो एक फंदा रेड कलर से छः फंदा व्हाइट कलर से एक दो तीन चार पाँच छ लास्ट के जो फंदे हैं इन्हें हम रेड कलर से बनाते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे ये सिलाई हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है राइट right साइड की फिफ्टीन रो देखिएगा फ्रेंड्स साइड का फंदा हम इस तरह से बुनेंगे धागा बैक करेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह फंदे हमने रेड कलर से बना लिए हैं अब इस धागे को आगे की ओर लेंगे चार फंदे वाइट कलर से बनाएंगे एक दो तीन चार दो फंदे रेड कलर से एक दो तीन फंदा वाइट कलर से एक दो तीन सात फंदे रेड कलर से एक दो तीन चार पाँच छः सात दो सॉरी तीन फंदे वाइट कलर से एक दो तीन सात फंदे रेड कलर से एक दो तीन चार पाँच छ सात तीन फंदे वाइट कलर से एक दो तीन दो फंदे रेड कलर से एक दो अब चार फंदे हम रेड कलर से बनाए सॉरी वाइट कलर से बनाएंगे एक दो तीन चार लास्ट के जो फंदे हैं इन्हें हम रेड कलर से बनाते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे ये सिलाई हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है अब आते हैं रॉन्ग साइड की सिलाई में सिक्सटीन रो देखिए यहाँ पर हम अठारह फंदे रेड कलर से बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह अठारह फंदे हमने रेड कलर से बना लिए हैं अब तीन फंदे वाइट कलर से एक दो तीन तीन फंदे रेड कलर से बनाने के बाद में सत्रह फंदे रेड कलर से बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच धागा हम आगे की ओर लेंगे छः, सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह तीन फंदे वाइट कलर से एक दो तीन लास्ट के जो फंदे हैं उन्हें हम रेड कलर से बनाकर इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं ये सभी फंदे रेड कलर से बनेंगे तो मैं बना लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ राइट साइड की सेवनटीन रो देखिएगा फ्रेंड्स साइड के फंदे को हम उल्टा बना लेंगे धागा बैग करेंगे अब यहाँ पर हम सत्रह फंदे देखिएगा एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, पंद्रह सोलह सत्रह अब यहाँ पर हम तीन फंदे वाइट कलर से बनाएंगे। एक दो तीन तीन फंदे वाइट कलर से बनाने के बाद में उन्नीस फंदे रेड कलर से बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच सात, आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह, उन्नीस तीन फंदा वाइट कलर से एक दो तीन लास्ट में जितने भी फंदे हैं वो रेड कलर से बनाकर इस सिलाई को हम कंप्लीट करेंगे जिस तरह से यहाँ पर ये फंदे रेड बने हैं उसी तरह से यहाँ पर बना लेने हैं अब आते हैं रॉन्ग साइड की एटीन रो में देखिए फ्रेंड्स रॉन्ग साइड की एटीन रो को हमें सेवनटीन रो की तरह रिपीट करना है तो देखिएगा ये जो साइड के फंदे हैं इन्हें हम रेड कलर से बनाते हुए चलेंगे तो देखिएगा पाँच सात, आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह पंद्रह, सोलह सत्रह तीन फंदे वाइट कलर से बनाएंगे एक दो तीन जो फंदे वाइट थे उन्हें वाइट बना लिए अब उन्नीस फंदे रेड कलर से हैं तो इन्हें रेड रेड कलर से ही बनाएंगे दो तीन चार पाँच सात, आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस जो रेड फंदे हैं उन्हें रेड बना लिया जो व्हाइट फंदे हैं उन्हें वाइट बनाएंगे एक दो तीन अब लास्ट के जितने भी फंदे हैं सत्रह फंदे उन्हें हम रेड कलर से बनाते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं अब आते हैं राइट right साइड की नाइनटीन रो में उन्नीसवीं सिलाई में और ये हमारे डिज़ाइन की लास्ट रो है तो देखिएगा फ्रेंड्स इस फंदे को हम उल्टा बना लेंगे धागा बैक कर लेंगे और जितने फंदे रेड हैं उन्हें रेड बना लेंगे दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह रेड कलर से सत्रह फंदे हमने बना लिए हैं अब यहाँ दो फंदे वाइट कलर से बनेंगे एक दो इक्कीस फंदा रेड कलर से एक दो तीन चार पाँच सात। धागा आगे लेंगे आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस सॉरी इक्कीस पंदे देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस इक्कीस फंदे हमने रेड कलर से बना लिए दो फंदे व्हाइट कलर से बनाएंगे सॉरी फ्रेंड्स इस धागे को आप तीन से चार फंदे के बीच में लेते हुए यहाँ पर लाइएगा ये देखिएगा दो फंदे हम व्हाइट कलर से बनाएंगे अब ये वाले फंदे हम देखिएगा एक दो तीन सॉरी ये सभी फंदे रेड कलर से हमें बनाकर कंप्लीट कर लेना है तो मैं इस सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ तो ये देखिए फ्रेंड्स मात्र पचपन फंदे का डिज़ाइन है और उन्नीस सिलाई में ये बनकर कंप्लीट हो चुका है आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा हमारे बताने का तरीका आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर डिज़ाइन पसंद आया है वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे अगले वीडियो में इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद